Hi friends, welcome to Gyanganga e-learning platform. Our today's topic is technique to remember the Japanese fires word. ये Japanese fires word क्या होते हैं लोग बता पाते हैं, explain कर पाते हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि Japanese word बताओ, मतलब Siri, Siton, Sisu, Siketsu, Sisuke, लोग याद नहीं रख पाते। तो ये problem को सामने रखते हुए हमने एक story बनाई है, जिस story का नाम है Fires Love Story। इस story से आपको पता चलेगा कि Japanese word को कैसे याद रखें। चलो देखते हैं कि फायर्स लव स्टोरी क्या है। एक गांव था, इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रीता। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है, एक खास बात होती है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो रीता की आइडेंटिटी क्या थी कि उसके पास जो भी चीज रहती थी वो सब चीज उसे लगने वाली रहती थी, अननेसेसरी आइटम, वेस्टेज वो उसके पास नहीं रहती थी। इसी गांव में और एक लड़का था जिसका नाम था टॉनी। इस लड़के में खास बात क्या थी, उसके पास जितने सारी चीजें थे, आइटम्स थे, उसके लिए उसने जगह बनाई थी और हर चीज वो उस जगह पे रखता था। इन शॉर्ट, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। इस कैरेक्टर, इस यूनिकनेस की वजह से उसे कभी सर्चिंग टाइम नहीं करनी पड़ी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ खेलना, ये दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं। देखते देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक वक्त आ जाता है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग शादी कर लें। लेकिन जब भी शादी की बात करते हैं, लव मैरिज की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती है। तो इन दोनों को भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर सोल्यूशन निकाले, स्ट्रगल किए और इनकी शादी हो चुकी। शादी के बाद रीता टॉनी के घर जाती है, तो वहां पे उनको एक नई मां मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सास, मराठी में उनको बोलते हैं सासू मां। इनकी एक खास बात थी, एक यूनिकनेस था, इनको क्लीनिनेस बहुत पसंद था। घर के अंदर के जितने सारे काम थे वो सब काम उन्होंने बहू को दे दिए, लेकिन घर के बाहर वाला एरिया वो उन्होंने शाइन करने, क्लीनिंग के लिए उस क्लीन रखने का जिम्मेदारी उन्होंने उनके पास रखा था। इसी घर के अंदर और एक व्यक्ति थी जिन्हें हम लोग मराठी में बोलते हैं सासरे। वो एक रिटायर्ड थे। जो भी बंदा रिटायर्ड होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है, सही क्या है गलत क्या है ये उन्हें पता रहता है, तो इसलिए हमेशा वो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं ये सही है गलत है। वैसा इनमें भी वो यूनिकनेस था कि वो लोगों को अच्छा ज्ञान देते थे। लेकिन उनमें खास बात ये थी, अगर सामने वाला इंसान ने अच्छा काम किया तो वो उसे टॉफी देते थे, अगर गलत काम किया तो वो स्टिक दिखा के उसे सुधारते थे। तो उनका एक स्टैंडर्ड था, अगर अच्छा काम किया तो चॉकलेट दे दो या ट्रॉफी दे दो, अगर गलत काम किया तो स्टिक से उसे समझाते थे। ये एक यूनिकनेस इनके अंदर थी। कुछ दिनों के बाद इस फैमिली के अंदर ट्विंस आते हैं, एक होता है लड़का एक होती लड़की। दोनों का नाम वो रखते हैं सुरेखा और किरण। देखते देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये लोग उनका टाइम, मैक्सिमम टाइम अपने घर वाले मम्मी पापा दादी दादा इनके साथ निकालते हैं। तो इनके अंदर जो कुछ भी संस्कार या कल्चर बिल्डिंग होता है, इनके अंदर जो गुण आते हैं वो बड़ों से आते हैं। हम बोलते हैं ना, हमेशा सुनते हैं कि बच्चों बड़े के पास से सीखते हैं, उनके पास से कुछ चीजें लेते हैं। तो इन घर के अंदर रीता टॉनी और उनके माता पिता सासू सासरे, इनके पास जो यूनिक कैरेक्टर थे वो सब गुण इनके अंदर आ गए और ये दोनों बच्चे एक डिसिप्लिन थे। इस तरह से ये पूरी फैमिली एक डिसिप्लिन फैमिली और हैप्पी फैमिली थी। इस स्टोरी के अंदर हमने पांच कैरेक्टर देखा। पहला कैरेक्टर था रीता, उसकी आदत थी या कैरेक्टर उसकी यूनिकनेस थी सॉर्टिंग, जो चाहिए वो रखो, जो अननेसेसरी आइटम उसको निकाल दो। सेकंड कैरेक्टर हमने देखा टॉनी, उसकी यूनिकनेस थी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, जिसकी वजह से सर्चिंग टाइम नहीं लगता था। थर्ड कैरेक्टर हमने देखा सासू मां सासू, जिनका कैरेक्टर था क्लीनिनेस, उनको क्लीनिनेस बहुत पसंद थी। फोर्थ था सासरे, उनका अच्छी खास बात क्या थी, अगर अच्छा काम किया तो टॉफी देके अप्रिशिएट करो, अगर गलत काम किया है तो स्टिक से उनको सुधारते थे। उनका एक स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्डाइजेशन। बच्चे बच्चे हर डेवलप थे, कल्चर्ड थे, उनके अंदर एक डिसिप्लिन था, इनके अंदर सब गुण माता पिता दादी दादा इनके गुण आए थे। रीता का शॉर्टिंगनेस, पापा का प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लीनिंग, ये सब गुण उनके अंदर आते हैं, बच्चों में रहता है, ये वेल डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन इस स्टोरी का और जापानीज वर्ड का क्या संबंध है देखते हैं।
जापानीज वर्ड कौन से हैं? सीरी, सीतोन, सिसु, सिकेत्सु और सित्सुके। इन पांचों शब्द में एक चीज कॉमन है, सी। इन पांचों शब्दों को आप देखो, जापानीज फाइव वर्ड्स को देखो, इसके अंदर एक कॉमन चीज है। और हमारी स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर थे उनका नाम देखो, रीता। अगर हम लोग देखेंगे तो सी रीता का री, सी री, टोनी का सीतोन, सासु का सु, सिसु, सासु, सासरे, सिसु, सिकेत्सु, सुरेखा एंड किरण, सित्सुके। तो इस तरीके से हम लोग जापनीज वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं। याद क्या रखना है, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स रीता, टोनी, सासु, सासरी और सुरेखा और उनका यूनिकनेस। अगर यूनिकनेस याद रखेंगे तो इन जापनीज वर्ड का मतलब क्या है ये भी आप याद रख पाओगे। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास था कि आप लोग जापनीज वर्ड को कैसे याद रखें। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और आपके सुझाव और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। दोस्तों हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और ऑपरेटिंग इंजीनियर्स के लिए, और फाइव के जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हम लोग टोटल 13 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करे। हमने देखा है कई सारे लोग पैसे दे के जॉब मिलता है, तो हमारा फोकस क्या है, हमारा एम क्या है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ाओ और महाराष्ट्र में एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स को बढ़ाना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। जो लोग इस वीडियो को देख रहा है उन व्यूअर्स को हमारा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ दो, शेयर करो, ताकि वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स तक, पॉलिटेक्निक कॉलेज के एचओडी, टीपीओ और इंजीनियर स्टूडेंट तक पहुंचे और साथ ही साथ में ऑपरेटिंग इंजीनियर तक पहुंचे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या एचआर में है, तो उनको रिक्वेस्ट है उनकी शॉप की जो रिक्वायरमेंट है फॉर फ्रेशर्स के लिए वो प्लीज हमें इस नंबर पे फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों आते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।